बागली तहसील के चापड़ा क्षेत्र में इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे मार्ग 59A का निर्माण होना है। इसी के लिए भमोरी में बड़ी चौराहे पर बाईपास निकलना है। इसी दौरान ग्राम मातमोर में बाईपास के दौरान कई मकानों को हटाया जाएगा। ग्राम मातमोर में जिन ग्रामीणों के मकान हटाए जाना है उन्हें शासन द्वारा विधिवत रूप से सूचना पत्र में मुआवजा राशि दर्शाते हुए पत्र दिए गए हैं, लेकिन जो पत्र मिला है उसमें मुआवजा राशि आज के हिसाब से काफी कम दर्शाई गई है, जिसको लेकर सोमवार के दिन सरपंच हीरा जाट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व महिलाएं एसडीएम कार्यालय बागली पहुंचे, जहां पर एसडीएम शोभाराम सोलंकी को ज्ञापन दिया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। देखिए, उन लोगों ने अपना शासकीय जमीन पे मकान बना के रखा है, तो मकान बना के रखा से जो पीडब्ल्यूडी की मूल्यांकन के आधार पर मकान की जो मुआवजा बना है वो हम देंगे। दूसरी मांग उनकी यह है कि उनको आवास के लिए कहीं अन्यत्र जगह दी जाए, तो इस संबंध में हमने पटवारी से जानकारी मांगी है। यदि कोई अन्य जगह होगी तो विधिवत कार्रवाई करके उनको देने का प्रयास किया जाएगा। जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांव मातमोर से NH-59 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका बाईपास निकल रहा है, तो उसमें हमारे कई ग्रामीण जन जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनके मकान टूट रहे हैं। तो शासन द्वारा जो सर्वे कराया गया, PWD द्वारा जो सर्वे कराया गया, उसमें बहुत ही कम मात्रा को राशि दी गई है, एवं उसी के साथ इनको जो अन्य जगह जो अभी इनको मकान बनाना है उसके लिए हमें जगह आवरने के लिए भी आज हम विभागीय मेरे को एक ज्ञापन है। क्या आश्वासन मिला है? साफ बोला है कि जो है वो तो PWD ने बाकी जो रहने के लिए जो जगह है वो आवंटित करवा के देने का पूरा प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।